पकड़ लेगी एक आदमी। यो गाइस व्हाट्स माय नेम राहुल, मेरा यूट्यूब चैनल रिव्यू रिलोडेड। काफी लोग फरमाइश करते रहते हैं ये वाला डोकला वो वाला डोकला, जैसे देखो अरेंज होता है मैं लेके आता हूँ। और आज पता है क्या लाया हूँ, सरप्राइज, ग्रेट डैन फीमेल एक। ये भैया ओनर है इसके, भैया बता दो आप क्या नाम है इसका और एज क्या है इसकी? नाम है शैली। शैली हाँ। और एज क्या है इसकी? टू इयर्स मतलब 2 साल की। अच्छा, बच्चे वगैरह दिए हैं इसने अभी तक? एक बार दिए हैं। तो पहले तो भाई को थैंक यू कि वो लेके आए हैं, मैं अपने घर के सामने जो ग्राउंड है उसी में लेकर आया हूँ। पहले मैं इसको घर पे लेके गया था छत पे, और छत से हमने खोल दी थी तो बाउंड्रीज के हिसाब से बहुत छोटी थी, तो वही मुझे डर लगने लगा कहीं भाई कूद वूद गई, तो भाई नहीं बिल्कुल नहीं, हम इसे लेने चले आए। भाई इसको देखो जरा, देखो इसको जरा, ओ माय गॉड। मैंने मेरे पास था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मेरे पास एक ग्रेट डैन था, उसका नाम था नवाब। मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे चाचा के पास था, उसका नाम था नवाब। और उसका जो चॉकलेटी कलर था पूरा, और वो बहुत सुंदर था, हल्की साइड से ज़्यादा होगी लेकिन बिल्कुल ऐसा ही था। चलो तो इस डॉग के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। चलो देखो, जब से लेकर आए ना इस ग्राउंड में, वो देख रहे हो स्ट्रीट डॉग कैसे भूक रहे हैं, भौंक रहे हैं, पागल लोग इधर है, उन्हें लग रहा है कौन आ गया यार, ये कौन आ गया। देखो गाय का भी ऐसे कलर है, इसका भी ऐसा ही कलर है, इसको लग रहा है कि कोई आज तो कुछ आलिया की जानवर आ गया भाई। डॉग Shelly wants your one like only. Hey, Shelly, come. अरे मोबाइल में खाली हो। तो इस डॉग के बारे में जो मुझे नॉलेज है ना, इसका जो ओरिजिन है वो जर्मनी से है। लगभग 50 किलो के आसपास तक इसका वेट पहुंच जाता है, 50 हमें ज़्यादा नहीं जाता। और इसकी जो सबसे ज़्यादा खासियत ये है डॉग की, कि ये जितना बड़ा है ना उतना ही सीधा है। ये फ्रेंडली डॉग है, ऐसा मत सोचना ये बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है तो भाई ये खतरनाक है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। बस हाँ, इनको थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। और एक और चीज़, इस डॉग को सबसे ज़्यादा भूख लगती है, जितने भी डॉग ब्रीड आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा भूख इस डॉग को लगती है। और इसे अगर टाइम पर खाना ना मिले, ऐसा नहीं काट लेगा आपको, परेशान हो जाएगा। काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है। गाइस तो अभी मैं इसे छोटी सी वॉक करा देता हूँ। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साइड में इंस्टाग्राम आई डी आ रही है उस पर फॉलो कर लेना, अब बताना आएगी क्या फरमाइश है आपकी फरमाइश पे। और इसका कलर यार, मतलब अभी तक डॉग भोग रहे हैं सारी गली में कि कौन आ गया ये। पर यार इन डॉग्स को देखो ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि देख रहे हो इसकी चैन, देखो इसकी चैन देखो, मतलब अब या तो इसको आप आवाज़ से अपनी से हैंडल कर लो, या इतनी मोटी चैन लेके इसे खींचते रहो, तो इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, बेसिक ट्रेनिंग। भाई बेचारा कैसे कैसे लाया है, मैं फिर थैंक यू बोल रहा हूँ। अच्छा वही करो जैसे मैंने बताया। चलो हम थंबनेल लेते हैं एक वीडियो के लिए। गाइज इस डॉग में एक चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि हेयर ग्रूमिंग वगैरह ये सब के ज़्यादा बाल बाल झड़ने का इसका झंझट नहीं होता है। हालांकि कुछ चीज़ें तो आपको मेंटेन करनी होती है, ध्यान रखनी होती है, बट ये भी दिक्कत नहीं होती है इसमें। आया और गाइज वो तो मौसम थोड़ा ठीक है, धूप वूप नहीं है बिल्कुल भी, मानसून आ चुके हैं एक तरीके से बोले तो। और इनको ना एक फ़ायदा और है, इनको बच्चों के साथ तो रख ही लो आप साथ में, अगर आपके घर में और भी डॉग है ना उनके साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है। जब मेरे चाचा के पास में था तो उनके पास 3-4 डॉग्स थे, सारे सारे एक साथ रहते थे, तो उसमें ग्रेट डैन मुझे सबसे सीधा लगता था, बट यार उस टाइम मैं बहुत छोटा था तो मुझे देख के बहुत डर लगता था इसको। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और भी डॉग ब्रीड्स हैं, मैंने भाई से बात करी है काफ़ी डॉग ब्रीड है इनके दोस्तों के पास भी। देखो मेरे कॉन्टैक्ट में जहाँ जहाँ जितनी जितनी डॉग ब्रीड है ना, मैं सबसे बोल दिया कि भाई लाओ अब वीडियो बनेंगी सबके करके, देख रहे हो यार, मतलब ऐसा मतलब गाय का बच्चा होता है, बछड़ा कह देते हैं इसे, वो लग रहा है बिल्कुल। चलो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना।